हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी टेक्नोफायर। तो आज हम कुछ नया करने वाले हैं, कुछ पहली बार हम अपने चैनल पे पहली ऐसी वीडियो लाने वाले हैं। कैसी? आज हम करने वाले हैं इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग। मजाक था, हम कोई अनबॉक्सिंग नहीं करने वाले हैं। इतना रोकड़ा हमारे पास नहीं है कि हम नए नए डिवाइस खरीदें उसके बाद अनबॉक्सिंग करें। तो आज आपने देख भी लिया होगा कि थंबनेल पर कि आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो यूट्यूबर्स लोग होते हैं, इनके पास, टेक यूट्यूबर्स के पास इतना पैसा कहाँ से आता है कि ये डेली एक नई वीडियो अपलोड करते हैं कि आज इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग है, आज उस डिवाइस की अनबॉक्सिंग है, आज ये फ़ोन लॉन्च हुआ है, आज वो फ़ोन लॉन्च हुआ है। कहाँ से आता है भाई इतना रोकड़ा? हैं, इनके घर हमें पक्का ही अब CBI को भेजना पड़ेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कॉल किया जाए कि भेजो इनके यहाँ पर और इनके इनके ऊपर CBI जांच बिठाई जाए। खैर, मजाक की बात हटाइए, और आज का वीडियो हमारा जो होने वाला है वो ये होने वाला है कि हम बात करेंगे कि ये जो यूट्यूबर्स के पास डिवाइसेस आते हैं, आखिर ये कहाँ से आते हैं, ये खुद खरीदते हैं या इन्हें कोई देता है, कोई प्रोवाइड कराता है, क्या होता है ये सब। तो ये सारा प्रोसेस आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो बने रहिए चैनल पर, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, बेसिकली क्या होता है कि ये जो टेक यूट्यूबर्स होते हैं, ये डेली एक नई अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इनके पास जो बड़े टेक यूट्यूबर्स हैं, उनकी बात कर रहा हूं अभी मैं, जो बड़े टेक यूट्यूबर्स हैं उनके पास जो डिवाइसेस आते हैं वो खुद नहीं खरीदते हैं, बल्कि उन्हें जो डिवाइस मिलते हैं वो खुद उस डिवाइस की जो ओनर कंपनी होती है वो ही उन्हें उसको अनबॉक्सिंग रिव्यू करने के लिए देती है कि आप हमारे डिवाइस का रिव्यू कीजिए, अनबॉक्सिंग कीजिए अपने चैनल पर, और लोगों को बताइए कि ये हमारा डिवाइस नया लॉन्च हुआ है, इस डिवाइस में ये खासियत हैं और ये इस डिवाइस के बेनिफिट्स हैं, इसकी प्राइस रेंज ये रहने वाली है। तो जो कंपनियाँ होती हैं वो खुद ही बड़े टेक यूट्यूबर्स को उन्हें देती हैं कि आप इसका रिव्यू कीजिए। ओके, और जो छोटे यूट्यूबर्स होते हैं, मतलब कि जो स्टार्टिंग कर रहे होते हैं, उनको अपने पास से करना होता है। लाइक जो टेक्निकल गुरुजी ले लेते हैं, टेक्निकल गुरुजी सबसे बड़े टेक यूट्यूबर हैं इस टाइम के इंडिया के। सो क्या है कि जब इन्होंने अपना चैनल स्टार्ट किया था तो इन्होंने भी अपने पास से ही सारे डिवाइस परचेज़ किए थे, उसी का रिव्यू करते थे ये भी। लेकिन जब बहुत मेहनत करने के बाद, कई सालों की मेहनत के बाद, इनका जो यूट्यूब चैनल था वो अच्छा खासा ग्रो हो गया, उसने ग्रोथ पकड़ ली, तो उसके बाद जो टेक कंपनियां थीं वो खुद इनसे कहने लगीं कि अब आप हमारे चैनल अपने चैनल पर हमारे डिवाइस का रिव्यू कीजिए, हमारे डिवाइस की अनबॉक्सिंग कीजिए। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि वो फ्री में दे देती थी या ये फ्री में ले लेते थे, हो बहुत सी कंपनियां ऐसी जो स्पॉन्सरशिप देती हैं और उस का रिव्यू करने के लिए उनको पैसा देती हैं कि आप ये पैसा लीजिए और हमारे डिवाइस का, इस डिवाइस का रिव्यू कीजिए। ओके, सो क्या होता है कि जो छोटे टेक यूट्यूबर्स होते हैं उनको तो अपने पास से परचेज करना होता है, लेकिन जो बड़े टेक यूट्यूबर्स हैं जिनके चैनल अब ग्रोथ कर चुके हैं, उनको जो डिवाइसेस होते हैं वो कंपनियां ही प्रोवाइड कराती हैं उनको अनबॉक्सिंग करने के लिए, जैसे कि टेक बर्नर है और टेक्निकल गुरुजी हैं और भी कई सारे यूट्यूब चैनल हैं टेक्निकल, जो कि ये सारी अनबॉक्सिंग करते हैं। आपने देखा भी होगा यार कि इनके चैनल पर हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन एक ना एक अनबॉक्सिंग वीडियो आ जाती है कि आज इनके ये फ़ोन लॉन्च हुआ है, आज वो फ़ोन लॉन्च हुआ है, आज ये हेडफोन लॉन्च हुआ, आज वो हेडफोन लॉन्च हुआ। तो डेली इनके एक नया कोई ना कोई गैजेट आता है, नया कोई ना कोई रिव्यू वीडियो आती है। तो इनका, लेकिन हाँ यार, ऐसा है कि इन्होंने भी स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल की थी, इन्होंने भी अपने पास से परचेज़ किया था, इन्होंने भी स्टार्टिंग में जो कंपनियां थी वो इन्हें स्पॉन्सर नहीं करती थी, तो इन्होंने अपने ही पास से किया था सब कुछ। लेकिन अभी इनके चैनल ग्रो कर चुके हैं तो खुद टेक कंपनियां इनको बुलाती हैं, इनको अपने इनके चैनल पर जो अपने डिवाइस हैं उनको देती हैं कि इनका रिव्यू करो या फिर इनका अनबॉक्सिंग करो या इसके बारे में बात करो। तो ये करते हैं और इसके लिए ये रुपये लेते हैं, ठीक है, इनको खर्च नहीं करना होता, ये कमाते हैं इस चीज़ के लिए भी, ठीक है। तो ये यही था आज का कि जो टेक यूट्यूबर्स होते हैं उनके पास जो डिवाइसेस आते हैं, तो ये दोनों टाइप के टेक यूट्यूबर्स के लिए अलग टाइप से होते हैं।
जो अभी छोटे टेक यूट्यूबर्स हैं, मीन्स स्टार्टिंग कर रहे हैं अभी, वो अपने पास से ही परचेज करते हैं अधिकतर। और जो बड़े टेक यूट्यूबर्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो भी, उन्हें भी सारे डिवाइस कंपनियाँ फ्री में देती हैं, कुछ डिवाइस जो उनको पसंद आते हैं वो खुद भी खरीदते हैं, और खुद खरीद कर ही वो उनसे रिव्यू भी करते हैं। और लेकिन अधिकतर जो होता है कि वो बड़े टेक यूट्यूबर्स को कंपनियां ही प्रोवाइड कराती हैं अपनी तरफ से कि आप ये लीजिए हमारे गैजेट का, इसका रिव्यू कीजिए। ओके, सो यही था आज का। कैसा लगा आपको आज की इन्फॉर्मेशन? अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और यार मैं बोलता नहीं हूँ किसी भी वीडियो में कि शेयर करने के लिए, तो आप करते ही नहीं है यार, थोड़ा तो करो, शेयर भी करना और सब्सक्राइब तो करना ही करना है यार, घंटी भी बजाना है ना, ठीक है, जो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।